आज ही क्लास में हम बात कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हमारे पास बहुत से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, प्रिसिडेंस आराम से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बिटवाइज एंड की। साथ में ये होगा बिटवाइज और इनका क्या वर्क होता है वो हम देखते हैं। उससे पहले आप सभी को अगर एक पर्टिकुलर कोड का आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए जहां पे ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, तो आप ऑलरेडी एंड ऑपरेटर का यूज जानते हैं, आप सभी जानते हैं एंड ऑपरेटर, लेकिन लॉजिकल अप्रोच में। जैसे अगर आपके पास कभी कुछ ऐसा प्रोवाइडेड है a=5, b=7, और आपने अगर चेक करना चाहा c की वैल्यू कैसे चेक कर रहे हैं, सपोज चेक कर रहे हैं c की वैल्यू a>b एंड a=b, फाइनली c की वैल्यू क्या आएगी। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को पहले हम देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके सामने प्रोग्राम विजिबल है, इस प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, लॉजिकल एंड अवेलेबल है, लेकिन उससे हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं ये रिलेशनल और इक्वलिटी। तो पहले अगर बात करें, लॉजिकल एंड कहता है दोनों का रिजल्ट अगर ट्रू है तब तो रिजल्ट ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स तो रिजल्ट होगा फॉल्स। एंड ऑपरेटर ऑलरेडी जैसा हमने डिस्कस किया था, एंड ऑपरेटर के केस में अगर हमारे पास ऑपरेंड है ए और बी, और रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कि अगर दोनों का रिजल्ट ट्रू है तब तो आएगा हमारे पास ट्रू, बट अगर दोनों में से एक भी फॉल्स तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, जबकि अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये था एंड। और ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था, हमने बात की थी कि ऑपरेंड अगर ए और बी अवेलेबल है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है, और ऑपरेटर आइदर दिस और दिस, एंड ऑपरेटर बोथ दिस एंड दिस आर रिक्वायर्ड, वो वाला सेंस रहेगा। एंड के केस में दोनों ही ट्रू होने चाहिए तब रिजल्ट ट्रू आएगा, जबकि और कहता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है अगर तो भी रिजल्ट ट्रू है, और दोनों ही अगर फॉल्स निकले तब रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहां पे लॉजिकल एंड लॉजिकल और के साथ हम पहली बात कर चुके हैं, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बिटवाइज एंड और बिटवाइज और की। लेकिन उससे पहले लॉजिकल एंड का जो हमने डिस्कशन किया था वो आप सभी को क्लियर होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, ए एंड बी नहीं है यहाँ पे, ए ग्रेटर बी एंड ए इक्वल बी है। ए ग्रेटर बी चेक करता है कि 5 ग्रेटर देन है क्या 7 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पहला ऑपरेंड ही निकला फॉल्स। और लॉजिकल एंड क्या कहता है, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। और हमने पहले भी कहा है कि जहां लॉजिकली चेक किया जा रहा है कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, उस केस में जहां पर रिजल्ट हमारे पास आता है ट्रू, सी प्रोग्रामिंग के अंदर वहां वैल्यू आती है 1, जहां रिजल्ट आता है फॉल्स वहां वैल्यू आती है 0। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो प्रोवाइड करता है लॉजिकल एंड आइदर 1 और 0, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। और इस केस में जैसे ये ए ग्रेटर बी कंडीशन है फॉल्स, दोनों में से एक भी फॉल्स चाहिए, दोनों ही फॉल्स है इस बार, तो इस केस में ये कंडीशन है फॉल्स, फाइनली वैल्यू आ जाएगी सी के अंदर फॉल्स के करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। इसे अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो आउटपुट में आ जाएगा 0। बल्कि एग्जीक्यूट किया आउटपुट में आ रहा है 0, जबकि यही अगर हमने प्रोवाइड किया होता कुछ ऐसा कि हमने दिया a less than b and a not equal b,
मतलब ए लेस देन है बी से, है क्या? फाइव लेस देन है सेवन से, ट्रू है। साथ के साथ ए नॉट इक्वल बी, फाइव और सेवन नॉट इक्वल है, ये बात भी ट्रू है। तो दोनों ही अगर निकले ट्रू तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ट्रू के रेस्पेक्टिवली वन। फाइनली जो आउटपुट आ रहा है इस प्रोग्राम का वो आउटपुट आ रहा है वन। और यहीं पे अगर हम एक बार बात करते हैं, ये जो हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन देखा है, इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते सपोज सी इक्वल ए एंड बी, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए एंड बी, ये क्या चेक करता है? ए की वैल्यू का लॉजिकल एंड परफॉर्म किया जा रहा है बी की वैल्यू के साथ, और लॉजिकल एंड अगर परफॉर्म करना है तो लॉजिकली चेक कर रहा है कि इसका फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली चेक करता है इसका सेकंड ऑपरेंड ट्रू है या फॉल्स है। कैसे चेक करता है? तो इसका फर्स्ट ऑपरेंड ए, ए के अंदर वैल्यू है फाइव। तो हमने पहले भी बात की है कि जहां पे भी नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, कभी आपको लॉजिकली चेक करना है कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो लॉजिकली चेक करने का तरीका क्या? नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, जीरो इज फॉल्स। तो ए नॉन जीरो है मतलब है ट्रू, बी नॉन जीरो है मतलब है ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, मींस वैल्यू आएगी वन। इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट तो आउटपुट में आ रहा है वन। एक बार वापस इस चीज को समझे जो अभी कहा कि अगर हमने यहाँ जीरो एंड सेवन दिया होता, या हम दे रहे हैं यहाँ पे सपोज एट एंड जीरो, तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आता? ए एंड बी लॉजिकल एंड परफॉर्म हो रहा है, और लॉजिकल एंड का रिजल्ट या तो ट्रू या फॉल्स आता है। ट्रू के टाइम वैल्यू आती है वन, फॉल्स के टाइम वैल्यू आती है जीरो। यहाँ पे ए एंड बी के लिए ए नॉन जीरो है तो ट्रू है, बी लेकिन जीरो है तो फॉल्स है, और ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा कि दोनों में से अगर एक भी फॉल्स तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, मतलब वैल्यू आएगी फाइनली जीरो। तरीके से अवेलेबल था। और यहीं पे अब अगर हम बात करते हैं एक बार बिटवाइज एंड की, तो बिटवाइज एंड की अप्रोच क्या है उसे समझते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो नंबर गिवन है, सपोज नंबर होता हमारे पास ये 30, ऐसे कोई रैंडमली हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी ए और बी के लिए, और अगर लॉजिकल एंड परफॉर्म करें तो ए नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, नॉन जीरो एंड नॉन जीरो, ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, मीन्स वैल्यू आएगी वन। कंपाइल किया हमने इस प्रोग्राम को, किया कंपाइल एंड करते हैं इसे एग्जीक्यूट, तो फाइनली आउटपुट में आ रहा है वन, क्योंकि लॉजिकल एंड का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उस केस में या तो वन या जीरो आएगी। बट अब हम बात कर रहे हैं बिटवाइज एंड, और बिटवाइज एंड क्या है उसे आराम से ध्यान से सुने और समझना। बिटवाइज एंड का मतलब है कि ए का जो बाइनरी कोड है, ए का जो बाइनरी कोड है, ए के अंदर वैल्यू जैसे 8 है, तो 8 का बाइनरी कोड, ए वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल के अंदर जो बाइनरी कोड रखा हुआ है, जैसे वैल्यू है 8, तो 8 का बाइनरी कोड रखा होगा, उसका एंड परफॉर्म करना है बी के अंदर जो बाइनरी कोड रखा है। बी के अंदर बाइनरी कोड किसका है? वैल्यू 13 का, तो उनके बीच में ये एंड परफॉर्म करवाना है, और ये जो एंड परफॉर्म करना है ये बिटवाइज फॉर्मेट पे परफॉर्म होगा, इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में देख रहे हैं बिटवाइज एंड। और फाइनली जो वैल्यू आएगी बाइनरी कोड में, उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। एक बार बस हम ऐसे इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। जैसे यहाँ आउटपुट आ गया हमारे पास 8, चांस की बात थी ये 8 आउटपुट आना, अगर हमने ये वैल्यू दी होती सपोज फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दे दी सपोज 5, इससे हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो वैल्यू आ रही है 5। हम यहाँ दे देते हैं सपोज ये 12 एंड कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आ रहा है 4। मतलब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम जानबूझ के ऐसा ले रहे हैं जहाँ ए और बी दोनों में ही 4 नहीं है, ए में 5 बी में 12, फिर भी आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। तो अब ये चीज समझते हैं कि कैसे परफॉर्म हो रहा है ना, और इसके लिए हमें जो समझने की रिक्वायरमेंट है वो क्या,
तो ये जो एंड परफॉर्म हो रहा है एंड लॉजिकल मैनर में नहीं देख रहा कि ए ट्रू है या फॉल्स है, बी ट्रू है या फॉल्स है, ये कहता है बिटवाइज फॉर्मेट पे देखो जो बाइनरी कोड है उस बाइनरी कोड का बी वाले बाइनरी कोड से एंड परफॉर्म करना है। और इसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी नंबर का कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी में कैसे किया जाता है, पहले उस चीज को हम समझ हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी डेसिमल वैल्यू, जो नॉर्मल हम इंटीजर वैल्यू कह रहे हैं परसेंट डी से प्रिंट कर रहे हैं डेसिमल वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू जो कही जाती है उसे डेसिमल भी कह दिया जाता है, बेस 10 10 वाली वैल्यू जो होती है, वैल्यू जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू होती है बेस 10 वाली वैल्यू और बाइनरी वैल्यू होती है बेस 2 वाली वैल्यू। डेसिमल वैल्यू बेस 10 वाली जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के अंदर जो डेटा होता है डेसिमल वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू में डेटा जो भी होता है जो भी नंबर होता है उसमें कहां से कहां तक की डिजिट काम में ली जा सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर बनाते हो। जैसे आपने अगर नंबर देखा सपोज कुछ इस तरीके का नंबर से 7 1 5 2, इसमें जो भी डिजिट्स हैं हर एक डिजिट 0 से लेकर 9 वाले डिजिट में से कोई ना कोई सी डिजिट होगी, ये होती है डेसिमल वैल्यूज। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं ये वैल्यूज, जबकि बाइनरी वैल्यू कौन सी होती है, तो बाइनरी वैल्यू हमारे पास होती है वो वैल्यू जहां पे बेस 2 अवेलेबल है, बेस 2 का मतलब जहां पे बाइनरी कोड वाली अप्रोच में अगर हम बात कर रहे हैं डेटा जो भी गिवन होता है उस डेटा के अंदर दो ही तरीके की हमारे पास डिजिट हो सकती है, और वो क्या, या तो 0 या 1 जिन्हें हम बिट भी कह देते हैं, ये बेस 2 वाली वैल्यू है जहां पे दो ही तरीके की हर एक प्लेस पे वैल्यू हो सकती है, हर एक डिजिट प्लेस पे वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू क्या है 0 से लेके 1 तक ही पॉसिबल है, 0 और 1 ही पॉसिबल है, वो है हमारे पास बाइनरी कोड। और ये डेसिमल से बाइनरी जो हमें कन्वर्जन करना है वो कैसे किया जाएगा उसकी अब हम बात करते हैं। 0 और 1 ही अवेलेबल होगा, वो होगा हमारे पास बाइनरी कोड। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो कभी अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोवाइडेड है सपोज 0 0 1 0 1 0 0, तो ये क्या है हमारे पास एक बाइनरी कोड अवेलेबल है, किसी नंबर का होगा, देख लेंगे किस नंबर का है, बट अभी पहले हम फोकस करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी हमें जो कन्वर्जन परफॉर्म करना है वो कैसे किया जाएगा उसकी अब बात करते हैं ना। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर हमें परफॉर्म करना है किसी वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू अगर हमारे पास है सपोज वैल्यू ऐसी रैंडमली हमने कंसिडर की है सपोज वो वैल्यू हमारे पास 67, हमें अगर इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू में तो अप्रोच क्या रहती है, एक्चुअल अप्रोच उसकी अगर हम बात करें तो बात कुछ ऐसी है, जब आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हो बाइनरी में जहां पे 67 के रेस्पेक्टिवली ऐसा नंबर आए जिसके अंदर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ही हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो वो चीज, तो उसके लिए आप करते हो पहले इसे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने पे जो आपके पास क्वेश्चन पार्ट आता है वो तो यहाँ नोट कर लिया जाता है, जैसे 67 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास क्या 33, 66 तक डिवाइड हो गया और रिमेनिंग क्या बचा वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया, रिमेनिंग बचा जैसे हमारे पास यहाँ भी 1, रिमाइंडर नोट कर लिया यहाँ पे, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा यहाँ तक की बात का। देन यहीं पे अगर हम बात करते हैं अगर हमें 67 का बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है तो अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, 2 से बार बार डिवाइड करते जाओ इसके क्वेश्चन को भी, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है जैसे 33 आया हुआ है तो इसे भी हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन 2 से, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वैल्यू आ जाती है हमारे पास जैसे यहाँ 11, और इस केस में हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है ये वैल्यू हमारे पास 1, सॉरी 11 नहीं आया ना,
वैल्यू क्या आई है उसे आराम से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया है 16 आया है और रिमेनिंग जो वैल्यू बची है वो वैल्यू बची है 1, है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन का रिजल्ट नोट करना है इस जगह पे और क्वोशेंट पार्ट यहाँ नोट करने के अलावा रिमाइंडर पार्ट यहाँ साथ में नोट करना है। और होपफुली आप सबको पता है कि 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे रिमेनिंग या तो 1 बचता है या 0 बचता है, तो जो रिमाइंडर आ रहे हैं ना वो हमारा बाइनरी कोड फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो इसे 2 से कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, एक बार कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को हम आगे। 2 से जब आगे इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्वोशेंट पार्ट क्या आता है 8, रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास 0। 16 को अगर डिवाइड करना है 2 से तो रिमेनिंग क्या बचा, कुछ नहीं 0 बचा है। देन अगेन हम 2 से जब डिवाइड करते हैं 8 को, तो 2 से जब 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन पार्ट आता है वो है 4 और रिमेनिंग बचा हमारे पास अगेन 0। अगेन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 4 को और इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट आता है वो क्या आता है 2, रिमेनिंग फिर से क्या बचा हमारे पास 0। और अब फिर से जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या सॉरी क्वेश्चन पार्ट आएगा 1 और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 0 बचा। और जैसे ही आगे हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं 1 को, 2 से जब हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 को, आगे डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा बिना फ्रैक्शन पार्ट के। तो हमारे पास क्वेश्चन पार्ट तो आ रहा है 0, 0.5 आना चाहिए जैसे, तो 0 आ रहा है, पॉइंट अभी लगाना नहीं है। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1, रिमाइंडर क्या बच गया था 1, तो ये 1 यहाँ नोट कर लिया। और जब हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट बचा है 0, आगे 2 से डिवाइड करते जाओगे तो क्वेश्चन पार्ट 0 रिपीट होता जाएगा, रिमाइंडर 0 ही आता जाएगा। तो ये नंबर जो हमारे पास है इसे रीड किया जाएगा बॉटम अप ऑर्डर में। ये और ध्यान रखने की चीज है कि ये जो भी नंबर आया हमारे पास, ये नंबर कौन सा आया, तो ये नंबर रीड किया जाएगा बॉटम अप ऑर्डर में और वो होगा 67 का बाइनरी कोड। तो हमारे पास ये जो 67 वैल्यू अवेलेबल थी डेसिमल में, उसके रेस्पेक्टिवली जो हमारे पास बाइनरी कोड आया वो बाइनरी कोड कौन सा आया है 1000011। यहाँ पे आप चाहो तो कितनी भी जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट लगे उतनी जीरो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं इस तरीके से। बट ये नंबर कौन सा है एक्स्ट्रा, लेफ्ट साइड में जीरो कितनी भी लगा लो, ये नंबर हमारे पास है बाइनरी कोड। अब जितने बिट में स्टोर करना है उसके करेस्पॉन्डिंग इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ये डेसिमल वैल्यू में था, बेस 10 वाली वैल्यू, उसके रेस्पेक्टिवली बेस 2 वाली वैल्यू में हमारे पास जो नंबर आया बाइनरी कोड में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई है कुछ ऐसी। तो ये इस तरीके से हम बाइनरी कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी बाइनरी कोड का अगर हमें डेसिमल कन्वर्जन करना है, किसी बाइनरी वैल्यू का अगर हम डेसिमल कन्वर्जन करना चाहते हैं वो कैसे किया जाएगा उसे आराम से समझें। तो जैसे हमारे पास ये बाइनरी कोड था, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, स्टार्ट करना है राइट साइड से, और राइट साइड से स्टार्ट करते हुए हमें हर एक बिट के लिए उसका वेटेज डेसिमल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। वो कैसे, तो हम यहाँ राइट मोस्ट प्लेस पे जो हमारे पास बिट अवेलेबल है वो बिट जैसे अभी है 1, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। उसे मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और ये जब 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 0 होता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर होता है 1। तो 1 × 1 ये वैल्यू अभी हमारे पास जो आ रही है वो वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली नेक्स्ट बिट के लिए किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बिट के लिए, बस हर बार ये 2 की पावर 0 से नहीं, राइट मोस्ट प्लेस पे 2 की पावर 0 से, नेक्स्ट प्लेस पे 2 की पावर 1 से, नेक्स्ट प्लेस पे 2 की पावर 2 से एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेस पे जो नंबर अवेलेबल है उसे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 × 2 की पावर क्या दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर प्रोवाइड कर दिया 1, इस जगह पे प्रोवाइड कर दिया 2 की पावर 1,
और ये जो हमारे पास वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है वो आप सभी जानते ही हैं, 2 की पावर 1 होता है 2, और 1 into 2 कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2। और सिमिलरली ये आगे 0 से मल्टीप्लाई किया हमने किस किस को, तो ये जब हम यहाँ पे इस तरीके से इन्हें परफॉर्म करते हैं, इसको और इसको, और नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है इसको और इसको, इन्हें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। ये जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है इन सभी के लिए, अगर हम बात करें हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 को, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या सर आ जाएगी, 0। और ये जो हमारे पास रिमेनिंग जो एक और बिट है उसे मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसे समझें, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट आई उसे हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 2 की पावर 6 से। आप जानते हैं बीच में जितने भी 0 हैं, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही आने वाला है। यहाँ 2 की पावर 6 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यू होती है हमारे पास 64। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो वैल्यू आती है 64। फाइनली हम इन तीनों वैल्यूज का एडिशन परफॉर्म करते हैं, 1 + 2 + 64, और वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्या, तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास 67। तो जो अभी हमने बाइनरी कोड फाइंड आउट किया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है वो होपफुली आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम में अगर बात कर रहे हैं, अगर हमें डेसिमल से किसी और बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, ऑक्टल बेस 8 वाली वैल्यू होती है तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल बेस 16 वाली वैल्यू होती है तो 16 से डिवाइड करेंगे, जबकि वही किसी और बेस से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो मल्टीप्लीकेशन वाली अप्रोच रहेगी। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, जिसको भी डाउट पूछना है। तो हमने अभी ये जो कन्वर्जन किया है, पहले हमने कन्वर्जन कैसे किया, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, उसमें हम 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, और फिर बाइनरी से अगर डेसिमल कन्वर्जन कभी करना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 की पावर 2 की पावर, राइट मोस्ट प्लेस वाले के लिए वेटेज होगा 0, नेक्स्ट के लिए पावर 1, नेक्स्ट के लिए पावर 2, नेक्स्ट के लिए पावर 3 एंड सो ऑन, राइट टू लेफ्ट वाले ऑर्डर में पावर में एक तरीके से 2 से मल्टीप्लीकेशन और बढ़ता जा रहा है। पहले वाले को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 2 की पावर 1 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट को 2 की पावर 3 से एंड सो ऑन, इस तरीके से किया जाएगा। अब जो हमने अभी अभी क्वेश्चन देखा था बिटवाइज एंड वाला, वो क्वेश्चन अभी एक बार वापस हम देखें, अगर जहां पे हमारे पास 5 अवेलेबल है, 5 का बाइनरी कोड क्या आएगा, तो यहाँ पे हम समझने के लिए ए का बाइनरी कोड, तो बाइनरी वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि 5 था वो क्या है हमारे पास, उसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं अभी 101, आप आराम से कैलकुलेट करके देखना। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बाइनरी वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू है हमारे पास जैसे ये 12, 12 का जो बाइनरी कोड होता है वो क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें तो 12 का बाइनरी कोड हमारे पास जो आएगा, 1 सेकेंड, 1100, ये आ जाएगा हमारे पास 12 का बाइनरी कोड। कुछ इस तरीके से 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहला रिमेनिंग 0 बचा, 6 टाइम्स गया, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा, रिमेनिंग 0 बचेगा, अगेन 2 से करोगे 1 टाइम जाएगा, डिवीजन होगा 1 टाइम, क्वेश्चन पार्ट आ जाएगा 1 और रिमेनिंग भी बचा 1 जब 3 को डिवाइड करोगे तो, और जब 1 को करोगे तो आपके पास क्वेश्चन तो 0, रिमेनिंग बचेगा 1। तो ये 12 का बाइनरी कोड आराम से फाइंड आउट करके देख लेना। हम यहाँ पे जो फोकस कर रहे हैं वो किस चीज पे, कि अगर आपको बाइनरी कोड फाइंड आउट करना आ गया तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है सी के अंदर वो वैल्यू कौन सी है, तो सी का बाइनरी कोड क्या आया होगा उसे हम समझते हैं ना। सी का बाइनरी कोड क्या आएगा,
तो यहाँ पे बिटवाइज प्लेस पे एंड परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे राइट मोस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, वन एंड जीरो। वन एंड जीरो का मतलब क्या, तो यहाँ पे वन को ट्रू की तरह, जीरो को फॉल्स की तरह मानते हुए एंड करना, वन को ट्रू जीरो को फॉल्स मानते हुए, है ना। तो जहां पे भी वन है वहां ट्रू, जहां पे भी जीरो है वहां फॉल्स मानते हुए एंड करना रेस्पेक्टिव बिट्स के बीच में, और एक एक बिट फाइंड आउट करना। जैसे वन एंड जीरो परफॉर्म करते हैं, वन है ट्रू एंड के लिए, दोनों ट्रू होने चाहिए और ये ट्रू नहीं है, तो इस केस में यहाँ क्या आ गया हमारे पास, यह आ गया जीरो। नेक्स्ट प्लेस है दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट आ गया जीरो। नेक्स्ट प्लेस पे दोनों वन है, तो ये आ गया वन, और ये जो जीरो और वन है इस केस में आ गया यहाँ पे जीरो। फाइनली ये आया सी के अंदर, और ये वैल्यू किसकी है, ये आप आराम से जब करेंगे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई से, तो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 से क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली आउटपुट आ रहा था 4। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा इस चीज का, और ये जैसे हमने बिटवाइज एंड किया है उसी तरीके से बिटवाइज और भी परफॉर्म किया जा सकता है, वेरिएबल जैसे हमने अगर डी लिया होता तो उसके साथ किया जा सकता है बिटवाइज, और हर एक प्लेस पे और परफॉर्म कर रहा होगा बिटवाइज फॉर्मेट पे। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है, 4 तो आया एंड करने पे और 13 आ गया और करने पे, क्योंकि इनका और करते हैं तो सब जगह पे वैल्यू क्या आती है, 1101। अगर और परफॉर्म कर रहे हैं तो डी के